यूपी में आज से 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज हुआ। आयोजन के लिए लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूपी सरकार का दावा है कि ये देश की सबसे बड़ी समिट है। इसमें 16 देशों की 304 कंपनियां शामिल हुई हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि समिट में 32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में उन्होंने कहा कि इतना सामर्थ्य होने के बावजूद आपको बता दें कि यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई हैं। लोग कहते थे यूपी का विकास होना नामुमकिन है, यहाँ कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यहाँ आए दिन घोटाले होते थे, लेकिन 5 से 6 सालों के भीतर यूपी ने खुद को डंके की चोट पर बेहतर साबित किया है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के नाम से होती है। उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है।